हे गाइस, इट्स कुणाल गिरी. वेलकम बैक टू द चैनल. एंड होपफुली आप सब ठीक होंगे. सुबह के 8 बज रहे हैं एंड मेरे को कुछ चीज़ लेने के लिए जानी है. एंड वो चीज़ मेरे फ्रेंड्स लोगों के लिए सरप्राइज है, बिकॉज मैं उसे अनवील नहीं कर रहा हूँ कहीं पे भी. सो गाइस, बस आप देखिए आज का सीन क्या रहता है और व्लॉग में क्या क्या चीज़ें होती हैं. सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच द व्लॉग. जैसे मैंने बोला था कि हम निकल चुके हैं कुछ चीज़ लेने के लिए, और अब वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा, बट आप ब्लॉग में बने रहना. और मैं इंट्रोड्यूस कर दूं कि मेरे संग एक गौरांग आ चुका है. ये मेरा भाई बहुत अच्छा फ्रेंड है. अब इसके बिना यार मैं चीज़ ले लूं, और इसका कुछ काम था बहुत इंपॉर्टेंट, बट मैंने सोचा यार इंसिस्ट करते हैं भाई को, चलेगा, खुशी होगी. इंसिस्ट वाली बात ही नहीं यार, कुणाल भाई का काम है और कुणाल भाई की इतना इंपॉर्टेंट दिन है, उसमें मैं ना जाऊं. भाई हाँ, इंपॉर्टेंट तो है मेरे लिए काफी. मैंने बहुत पेशेंस करा उस चीज को पाने के लिए. और ये आलिया है. अब आलिया का क्या बताऊं मैं, आप सबको तो पता ही है सारा. अब ये भी हमारे संग जा रही है, बट हाँ देखते हैं अब जो चीज है उसके लिए एक्साइटेड कितने हम. सुपर डुपर एक्साइटेड, क्योंकि वो चीज ही ऐसी है कि आप भी देख के ऐसे हो जाएंगे कि वो बहुत ही अल्टीमेट. एक वर्ड्स नहीं है, मतलब एक हम कंप्लीट लाइन पूरा होने वाला है किसी का. हाँ, ये एक्चुअली ये वाली बात तो आप सही कह रहे हैं कि ड्रीम पूरा होने वाला है मेरा. एक्चुअली मैं मेरी खुशी देखो यार, हर एक लाइन के बाद मैं स्माइल कर रहा हूँ, तो उससे तुम्हें समझ में आ सकता है. सो गाइस, मैं समझता हूँ कि हर किसी की लाइफ में वाला मोमेंट तो आता ही है, जब वो बहुत खुश होता है एक चीज को पिक करने जा रहा है या लेने जा रहा है. अब देखिए, आपको बताएंगे, सस्पेंस रखते हैं अभी इसी चीज को. बाकी स्टे ट्यून्ड. Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, here, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. गाइस, हम पहुंच गए हैं घर पे एंड तुम देख सकते हो मेरी हालत कैसी है. कितना मतलब मैं खुद हीट अप हो रहा हूँ सन की तरह आज रात में, वो भी देखो रात हो रही है पूरी. और ये अमन भाई, ये मेरे संग गया था और मैंने आपको बताया था जैसे भी हम गौरांग के संगाड़ी में गए थे. और मैं एकदम से घर का सीन दिखा रहा हूँ आपको, बट जो रिचुअल्स थे वो हमने साथ में करे हैं. गौरांग थोड़ा बिजी हो गया था किसी काम से. अब मम्मी मेरी यहाँ पे हैं, जो मम्मी ने करे हैं. और वो आपने थोड़ी सी झलक जो देख ली है बाइक की, वो एक्चुअली ये देखिए इसका जो मैं बनाऊंगा वो बहुत समझ के सोच समझ के, क्योंकि इसमें बहुत सारी एक्सेसरीज लगी हैं. उसकी वीडियोस मैं अपलोड करता रहूंगा और मैं रेगुलर रहना चाहता हूँ अब यूट्यूब पे. अब क्या बोलूँ मैं, मतलब मैं ना बिल्कुल स्पीचलेस हूँ इस चीज को लेके. मतलब मेरे घर में खड़ी है, मतलब अब मैं क्या बोलूँ, मजा आया. सो गाइस, अब हम थोड़ी जानी पहचानी सी जगह लग रही होगी आपको. ये हमारा चामुंडा मंदिर है. अब हम इसमें आए हैं, मैं अमन, अमन मेरे संग है
और ये अपना बीस्ट खड़ा है। सो बस अपना थोड़े बहुत रिचुअल्स थे जो हमारे रह गए थे, मम्मी ने तो घर में एंट्री करवा दी थी बाइक की रिचुअल्स करवा के, बाकी अब ये है कि भगवान क्या माथा भी टेक ले भाई बाइक भी। तो सब कुछ पॉजिटिव वाइब्स लेके फिर इसके संग हम अपनी शुरुआत करेंगे। बाकी देखो बाइक एक्चुअली में ऐसी है, मैंने कोई सिनेमेटिक तो बनाया नहीं था इतना खास कुछ भी, बट आप ऐसे देख सकते हो कि एक्चुअली में कैसी दिख रही है। बाकी के मैं बताता हूँ, अभी पंडित जी जब आएंगे तब उनसे मिलवाता हूँ आपको भी। और ये अमन, जानते ही हैं सब भाई, अमन केयर ब्लॉग्स। सो गाइस आलिया भी आ चुकी है अंदर प्रसाद चढ़ा के, और गाड़ी में देखा था आपने इसको, उसके बाद तो इतनी गर्मी हो गई। मतलब यहाँ पे सन एक्चुअली अभी है नहीं, मगर फैशन कम नहीं है। और हमारे पंडित जी आ चुके हैं। सो जो भी अब रिचुअल्स हैं, अब मैं जैसे भी है, अब देख लीजिए ऐसे हो रहे हैं। जी स्टार्ट तो कर दीजिए एक बार, आपके आपके हाथ से भी तो होना चाहिए। चलिए स्टार्ट का बता दे बस, थोड़ा रेस भी थोड़ा सा। तो हे गाइस, दिस इज द सेकंड डे, बाइक को लिए हुए हमें एक दिन हो चुका है और आज हम इसकी डिलीवरी करवाने वाले हैं। तो आज हम शगुन गार्डन आए हैं काशीपुर में जस्ट फॉर डिलीवरी फॉर माई बाइक। मैंने फ्रेंड्स को इनवाइट किया है, तो आज रिवील कर देंगे फिर कंटेंट एंड ऑल दैट, सब कुछ रेगुलर डालेंगे, अपडेट रखे करेंगे तुम सबको। एंड बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी सबको कि कौन सी बाइक लेके आया है कुणाल, क्या है क्या नहीं है। तो अभी तक हमने रिवील नहीं करा था बिल्कुल भी, हम बाइक को अगर हमें कुछ पेट्रोल भरवाने भी ले जाना पड़ रहा था तो हम रात को ले जा रहे थे। सो गाइज वो पीछे बाइक खड़ी है मेरी, एंड उसके बाद देखते हैं क्या रहता है, क्या सीन है क्या नहीं है। सो मैंने बताया था बाइक को कवर कर चुके हैं, और अभी मेरे संग गौरांग है, अमन है। अमन तो पहले से ही स्टार्ट हो चुका है अपनी ब्लॉगिंग के लिए। सही है ना भाई, नया ब्लॉगर आ रहा है, नया ब्लॉगर आ रहा है या कंटेंट क्रिएटर आ रहा है कुछ नहीं पता है, ब्लॉगिंग देखेंगे अगर हमसे हो पाएगी तो हम जरूर करेंगे, अगर सपोर्ट रहेगा तो। हाँ मैं तो सही, हम कर रहे हैं, इसे भी करवाएंगे। अभी अभी एक नया ब्लॉगर और भी आएगा, कुछ टाइप का सरप्राइज का वेट है। मैंने कहा ना हर किसी की डिलीवरी पे, मैं आज कुछ नहीं बोलूंगा, आज यहाँ पे कोई टीवीएस वीवीएस की छोटी गजब बेइज्जती है, हर बार कभी बजाज लूना होती है। सो गाइस बात ये है कि हम शगुन गार्डन आ चुके हैं और हमने थोड़े से बॉस गेट टुगेदर के लिए एक बाइक रिवीलिंग हम कर दें आज, तो हमने ये प्रोग्राम रखा हुआ है, छोटा सा प्रोग्राम है, ऐसा कुछ ऐसा सच हमने बहुत ज्यादा प्लान नहीं किया है। और बाइक हमारी बैक साइड खड़ी हुई है, कुछ फ्रेंड्स हमारे आ चुके हैं और दो तो आपने देख ही लिए हैं यहाँ पे हैं। अभी फैमिली भी मेरी आने वाली है, उसके बाद हम थोड़ा कांटेक्ट करते हैं जो लोग आ रहे हैं उनके लिए वेट कितना करना है। सो स्टे ट्यून्ड एंड उसके बाद हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं कैसे कैसे क्या है। सो गाइस बाइक हमारी यहाँ पे खड़ी है, अभी यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना, आज बारिश की वजह से यहाँ पे पानी भर चुका है लॉन एरिया में, एंड बाइक अगर वहाँ पे लेके जाएंगे तो वेट के हिसाब से आई डोंट थिंक सो कि ये हमारे लिए अच्छा होगा कि बाइक को हम गंदा कर दें और गिरा चुके हैं इसमें। तो फिर बाइक हमने यहीं पे सॉलिड सरफेस पे ही खड़ी करी है रोड पे, एंड आपको थोड़ा सा सीन दिख रहा होगा यहाँ पे कि हमने एग्जॉस्ट बाहर निकाल रखा है, और अभी बस कुछ टाइम और उसके बाद ये पूरी घूमेगी भाई, सब देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें भी अच्छा लगेगा कि हाँ चलो। सो गाइस फैमिली भी आ चुके हैं मेरी, एंड मम्मा साक्षी एंड आलिया सब आ चुके हैं, एंड पीछे मेरे गौरव भाई एंड उनके फ्रेंड हैं, गौरांग है एंड राजन, अमन, परम भाई, सौरभ भाई, राहुल भाई, सब लोग आ चुके हैं।
अब बस वेट कर रहे हैं कुछ और जनों का, फिर उसके बाद उठाते हैं पर्दा इससे और करते हैं एंजॉय। फिर आपको पता है एंजॉय क्या करना है, साउंड को एंजॉय करना है सबका। सब जने फुली एक्साइटमेंट में, अब वेट नहीं हो रहा है किसी को भी और बस तैयारियां चल रही हैं। थोड़े बहुत यहाँ से हो रहा है सीन की, हाँ थोड़े थोड़े लुक्स दिख रहे हैं बाइक के, बट जो फुल लुक आता है उसमें मजा ही कुछ और होता है। अभी बस हमारा केक का हम वेट कर रहे हैं, केक आ जाए तो फिर। नहीं भाई ये वाले सीन मत करो तुम, ये वाला सीन नहीं करना। बस और क्या है, अभी बस वेट ही कर रहे हैं सब जने, अब देखते हैं क्या रहता है, क्या सीन है। रहिए आप थोड़ा व्लॉग में बने रहिए, बहुत ही अच्छा सस्पेंस निकलेगा अब निकल के, जब आएगा अच्छा लगेगा सबको। तो गाइस फाइनली मोमेंट ऑफ द डे इज हियर, आंटी के फेस पे स्माइल देखो क्या मजेदार। सही है आंटी, आंटी बस 2 मिनट का वेट और है, फिर अनबॉक्सिंग नहीं, अनवील। नहीं भाई रुक जा, सबका फोन रेडी है, देख लो भाई कितने सारे फोन है। चलो, 1 2 3 बढ़िया, ताली हो जा भाई। वो Congratulations! यहाँ पे 2 बाइक्स आ चुके हैं, अमन की बाइक है एंड मेरी सीबीआर है, और जो मिसिंग प्लेस है वो भाई फुलफिल करने वाला है, मे बी 1 महीना 2 महीना जो भी रहेगा, जल्दी कुछ आने वाला है। 1 महीना यही कलर आने वाला है क्या फिर से? तो गोल्डन उसी रेड में कहाँ आती है, तो एक्साइटेड है इसके लिए भी कि बस पेशेंस है इसमें भी मेरी तरह कि वेट कर रहा है, पेशेंस कर रहा है, देख रहा है क्या रहता है क्या नहीं रहता है। बस यहाँ पे भी एक और चीज खड़ी होगी, फिर उसकी भी डिलीवरी लेंगे सबके संग। सो गाइस गर्मी तो अभी बहुत हो रही है, हम सब थक चुके हैं। इधर अब देखो सुनो, अभी टाइम लगेगा, हो जाएगा। अरे सब हो जाएगा, अपने को सब आता है। ऑलमोस्ट सब पीछे स्नैक्स एंड बेवरेजेस एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे हम बस अपना थोड़ा बातें कर रहे थे, क्वालिटी टाइम जो टॉक्स होती हैं हमारी बाइक रिलेटेड ही होती हैं यार। और बस अब क्या बताएं यार, सीन कुछ ऐसा है कि बस डिलीवरी अब कंप्लीट हो जाएगी तो थोड़ा बाइक राइड के लिए निकलेंगे एंड बाइक राइड पे एक्सपीरियंस लेते हैं थोड़ा अपना। आपको नया व्लॉग में पता चलेगा तो पहले इस व्लॉग को कर दो लाइक और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब, और क्या भाई के चैनल को सपोर्ट करना है, कमेंट दबा के करना है, और सीबीआर कैसी लग रही है रेड ब्यूटी, और इसके लिए नाम एक आपको सबको सजेस्ट करना है, बिल्कुल अच्छा वाला कर लो, नाम सजेस्ट आप कर लो, मैं उसमें से पिक कर लूंगा अगर कोई बेस्ट होगा तो। कमेंट बॉक्स तो हमेशा के लिए खुला है, आप दीजिए प्यार दीजिए, आप जो दीजिए हम वहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे, हमें कोई समझ रहे हो। ओके टेक केयर बाय, एंड हम भी अब कुछ एंजॉय करते हैं, कुछ फूड लेते हैं, हमें भी भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। सो टेक केयर एंड बाय।